हे गाइस, क्या हाल चाल रहे भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सबको याद होगा, पिछले एपिसोड में माइकल ने नए मिलिट्री कर्नल को खत्म कर दिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने हम लोग को ऑर्डर दिया था मिलिट्री कर्नल लॉस सांटोस सिटी पे अटैक करने का प्लान बना रहा था। बहुत सारे वेपन ले रहा था, अपनी फोर्स तैयार कर रहा था ताकि वो लॉस सांटोस सिटी पे अटैक करके मिलिट्री बेस पे कब्जा कर ले। पर जैसे हम लोग को लोकेशन मिली, जैसे मेरे को प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया, सीधे मैं उस लोकेशन पे गया, मैंने सारे बंदों को खत्म कर दिया। और अभी मैंने नए मिलिट्री कर्नल को भी खत्म कर दिया है और अभी हम लोग को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर अभी भी लॉस सांटोस सिटी पे खतरा गया नहीं है भाई। लॉस सांटोस में खतरा अभी भी है क्योंकि कैसीनो का ऑनर अभी भी गायब है। हम लोगों ने उसको ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की पर उसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। और हम लोग को ये पता लगा है कि यार जो कैसीनो का ऑनर है वो अपनी फोर्स को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है और वो लॉस सांटोस सिटी पे अटैक करवा सकता है। तो कैसे भी करके हम लोग को उसको ढूंढना होगा, लॉस सांटोस सिटी को बचाना होगा, क्योंकि जब तक माइकल जिंदा है तब तक माइकल लॉस सांटोस सिटी पे किसी को भी कब्जा नहीं करने देगा और ना ही अटैक करने देगा। तो आज हम लोग को कैसे भी करके यार कैसीनो के ओनर की लोकेशन का पता लगाना है। बाकी अभी मैं गोल्फ खेलने आया हुआ था और मैं यहाँ पे आराम से गोल्फ खेल रहा था, पर मेरे पास अभी मेरे कार शोरूम से कॉल आया और मेरे को पता लगा कि जो फरारी का कार शोरूम हम लोगों ने रिपेयर कराया था वो अचानक से पूरा का पूरा टूट गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने उसको रिपेयर कराया था और जिस बंदे से मैंने ये काम कराया मैंने उसको पूरा पेमेंट भी कर दिया है क्योंकि उसने काफी बढ़िया काम किया था। पर अचानक से कार शोरूम पे क्या हुआ कि पूरा कार शोरूम टूट गया है। तो फटाफट से चलते हैं कार शोरूम को देखते हैं, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो तो अच्छा रहा कि यार मैंने अभी गाड़ियां नहीं मंगवाई थी, नहीं तो मैं कार शोरूम में बहुत ज्यादा गाड़ियां लगवाने वाला था और अगर मैं वहां पे भाई फरारी लगवा देता तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। और एक सेकेंड, मैंने गाइस यहाँ पे अभी अपनी बाइक खड़ी करी थी जो बाइक मैं लेकर आया था और वो बाइक चोरी हो गई है और मेरे को अभी यहाँ से गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। मेरे को नहीं पता कि यार ये गाड़ी किसकी है, पर अभी इसी को लेकर चलते हैं एंड फटाफट से कार शोरूम को देखते हैं। बाकी यार आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक शुरू कर देना। और हाँ यार, लाइक वाइक कर दिया करो, आपके एक एक लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मुझे बताया वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, पर अभी मैं जल्दी जल्दी तुम लोग के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट जरूर दिखाना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके अपने फरारी के कार शोरूम के पास और तुम लोग सामने मेरा देख सकते हो, ये रहा फरारी का कार शोरूम। इसका पूरा का पूरा फ्लोर गायब है। तुम लोग यहां से ऊपर के साइड देख सकते हो वो गाड़ी हवा में क्या कर रही है। गाइस एक सेकंड भाई, पूरा फ्लोर गायब हो गया है, सारी चीजें टूट चुकी है एंड फ्लोर गया कहाँ पे भाई। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे आया था तो पूरा कार शोरूम एकदम सही था, पर अभी तुम लोग इस पर नज़र डाल सकते हो, पूरा का पूरा कार शोरूम डिस्ट्रॉय हो गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा फ्लोर गायब हो गया है एंड सारी की सारी सीढ़ियाँ गायब हो गई है। वो तो अच्छा है कि यार यहाँ पे अभी मैंने गाड़ियाँ नहीं लगवाई थी, मतलब मैंने फरारी का ऑर्डर नहीं दिया था। अगर यहाँ पे फरारी आ जाती तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, सारी की सारी गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय हो जाती। एक सेकेंड, तुम लोग यहाँ पे गेट देख रहे हो, गेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है। अभी मैं गेट के इस साइड से निकल के आ गया तो भाई गेट का फ़ायदा ही क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार उस बिल्डर ने कैसे मेरे कार शोरूम को रिपेयर किया। कार शोरूम की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है एंड यहाँ की टेबल भी गायब हो गई, सारी चीज़ें एक एक करके अपने आप डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ये चल क्या रहा है भाई, उसने पैसा तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा लिया था और काम भी इतना ज़्यादा जल्दी किया, पर भाई पूरे कार शोरूम की हालत ख़राब हो गई है। मुझे लगता है कि उसने यार जल्दीबाजी में ना मेरे कार शोरूम को अच्छे से रिपेयर नहीं किया है और हम लोगों से पैसा भी पूरा ले लिया और हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ यार, फरारी का कार शोरूम तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, क्यों ना बाकी के कार शोरूम भी जाके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उनमें तो मैंने गाड़ियाँ भी लगवा दी है एंड काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई थी, तो एक बार मेरे को जाके चेक करके आना चाहिए। बाकी अभी मैं बिल्डर के पास जाने वाला हूँ, मैं उससे बातचीत करूँगा क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि अगर कार शोरूम में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उसको कॉल कर दूँ, और अभी दिक्कत नहीं आई है, पूरा का पूरा कार शोरूम ही टूट गया है। तो अभी फटाफट से चलते हैं अंडरग्राउंड कार शोरूम पे और चल के उसको चेक करते हैं, क्योंकि यार वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी आ चुकी है। तो गाइस अभी हम लोग अपने अंडरग्राउंड कार शोरूम पे पहुँचने वाले हैं और मैंने यहाँ के मैनेजर को कॉल करके पता किया कि यार कार शोरूम में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, तो मैनेजर बता रही है कि यार यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है, अपना कार शोरूम एकदम बढ़िया है।
तो मेरे को लग रहा है कि यार जो फरारी का कार शुरू में वो पूरा का पूरा ग्लास का बना हुआ है और वहाँ पे शायद उस बिल्डर ने अच्छे से काम नहीं किया, पैसा तो पूरा ले लिया, इसीलिए हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, पूरा का पूरा कार शुरू में टूट गया, मेरे को दोबारा से रिपेयर कराना है। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी खड़ी हुई है। और हाँ, मैं तुम लोग को बता दूँ, वैसे मैंने प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की थी पर मेरे को ये वाली सिक्योरिटी यहाँ पे रखनी पड़ी क्योंकि जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के साथ है। तुम लोग को पता ही होगा कि यार लॉस सांटोस सिटी में एक बहुत बड़ी रैली हो रही है जो कि पूरे लॉस सांटोस सिटी में होगी, उसके बाद वो सीधे सैंडी शोर जाएगी और वहाँ पर ख़त्म होगी और वहाँ पर मैं प्रेसिडेंट को जाके लूँगा और सीधे उसके मेंशन पर छोड़ूंगा। तो वो काम हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि रैली को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत सारे वीआईपी, बहुत सारे पॉलिटिशियन बाहर से भी आए हैं और ये रैली सही में बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। और तुम लोग यहां पे नजर डालो, यहां पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा है तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ अपनी कार्स खड़ी हुई है जो सारी की सारी कार्स एकदम सेफ है। इनमें से कुछ गाड़ियां मैंने पुराने मॉडल की यहां पर खड़ी कराई है क्योंकि इस वाले कार शुरू में ना काफी सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका बजट थोड़ा कम होता है, तो मैं चाहता हूं कि यार वो लोग खाली हाथ ना जाए, यहां से कोई ना कोई गाड़ी तो जरूर लेकर जाए। और मुझे लगता है कि यार कोई ना कोई कस्टमर इस वाली गाड़ी को देख कर गया है, इसका इंजन अभी भी स्टार्ट हो रखा है, तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ महंगी वाली गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, मतलब अपने पास ना सारी गाड़ियाँ, अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, चाहे उसका बजट कम हो चाहे बजट थोड़ा ज़्यादा हो। बाकी अपने पास रोल्स रॉयस का कार शोरूम है, वो भी एकदम बढ़िया चल रहा है, वहाँ भी मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ मंगवा के खड़ी करवा दी हैं, तो अगर किसी को रोल्स रॉयस लेनी होगी तो वो रोल्स रॉयस भी ले सकता है, डायमंड कार लेनी होगी डायमंड कार ले सकता है, गोल्ड कार्स लेनी होगी गोल्ड कार ले सकता है। हमारे पास हर एक गाड़ी है फरारी को छोड़ के, फरारी अपने पास एक भी नहीं है। मेरे को लगता है फरारी को कुछ ऑर्डर करके मैं यहीं पे रख लूंगा क्योंकि जो फरारी वाला कार शोरूम है उसका तो पता नहीं क्या होने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से एक काम करते हैं कि उस बिल्डर को कॉल करते हैं और उसको मैं फोन करके बताता हूँ कि यार पूरा का पूरा कार शोरूम डिस्ट्रॉय हो गया। तो गाइस अभी मैं उस बिल्डर को यार काफी देर से कॉल कर रहा हूँ पर वो बंदा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, मेरे फोन को बार बार कट कर रहा है। और अभी तो भाई हद हो चुकी है, उसने अपने फोन को ऑफ कर लिया है, उसको पता लग चुका है कि यार माइकल के फरारी का कार शोरूम टूट चुका है और अभी उसका नुकसान होने वाला है क्योंकि उस बिल्डर ने मेरे को बोला था कि माइकल का फरारी के कार शोरूम अभी एकदम सही हो चुका है और अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो फ्री में ठीक करेगा। और मेरा तो पूरा कार शोरूम टूट चुका है भाई, सारे फ्लोर गायब हो गए हैं, सारी सीढ़ियां गायब हो गई हैं, तो उसका बहुत नुकसान होगा और मैंने उसको पैसा भी दे दिया है, तो अभी मेरे को उसी से काम करवाना है। और अभी वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मेरे को उसका एड्रेस नहीं पता, नहीं तो सही में मैं उसके घर पे जाके उसकी बैंड बजाने वाला था। पर अभी हम लोग उस बंदे के पास जा रहे हैं जिसने हम लोग को उसका पता दिया था, फोन दिया था। आप लोग को पता ही होगा भाई, जो बंदा सेकेंड हैंड गाड़ियों को सेल कराता है, तो पहले एक काम करते हैं ना, इस वाली गाड़ी को मैं अंदर के साइड लगा देता हूँ क्योंकि ये चोरी की गाड़ी और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार मैं इस गाड़ी से लॉस सांटोस सिटी में घूमूं। मैं इस गाड़ी को अपने कार शोरूम में लगा देता हूं, किसी ना किसी काम तो आई जाएगी। इसके सारे के सारे पार्ट्स खोल के हम लोग सेल कर देंगे या फिर मैं सीमियोन को दे दूंगा। तो एक काम कर दो ना, हम लोग अपनी नई गाड़ी यहां से उठा लेते हैं, काफी दिन से मैंने कोई नई गाड़ी भी नहीं चलाई है, यहां पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो कौन सी गाड़ी मैं लेकर जाऊं। एक काम करते ना, ये वाली गाड़ी बढ़िया लगती है, तो फटाफट से इस वाली गाड़ी को उठाते हैं और सीधे हम लोग यहां से निकलते हैं। अभी मैं सीधे उस बंदे के पास जाऊंगा, बिल्डर का मैं पता लूंगा, मैं भाई पहले उसको बोल दूंगा कि बिल्डर के वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और सीधे बिल्डर के घर पे जाके मैं उसकी बैंड बजाने वाला हूं। और अगर उसने मेरे कार शोरूम को अभी फ्री में रिपेयर कर दिया तो मैं उसको कुछ भी नहीं कहने वाला हूं, नहीं तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो फटाफट से हम लोग सीधे उस बंदे के पास चलते हैं और चल के उस बिल्डर का पता लगाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग उस बंदे के गैराज पे पहुंचने वाले हैं और फटाफट से हम लोग उस बिल्डर के बारे में पता करते हैं। और अभी ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अगर वो बिल्डर मेरे को कहीं मिल जाए तो सही में मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उसको बहुत ही मारने वाला हूँ। तो एक सेकेंड, यहाँ पे कोई बंदा तो खड़ा हुआ है, ओके तो ये यहाँ का मैकेनिक है, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को इसी से पता लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हम लोग इससे बात करते हैं और बिल्डर के बारे में पता करते हैं, शायद इसको भी उस बिल्डर के बारे में कुछ पता। तो गाइस अभी मेरी इस मैकेनिक से यहाँ पे बात हो गई और मैंने इससे भाई सीधे बिल्डर के बारे में पूछा। मैंने बोला कि यार मेरे को एक बिल्डर का पता चाहिए जो सैंडी शोर्स की तरफ रहता है, तो ये मेरे को बता रहा है कि यार ये किसी भी बिल्डर के बारे में नहीं जानता है। और मैंने इसे गैराज के ओनर के बारे में पूछा, मैंने पूछा कि यार ओनर कहाँ पे है, तो ये बता रहा है कि यार ओनर तो अभी यहाँ पे नहीं है, वो सिटी के बाहर गाड़ियों के काम से गया है और उसको आने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो मैंने इसको बोला कि अगर किसी बिल्डर के बारे में पता लगे तो सीधे मेरे को कॉल करके बता दे। तो अभी अपने को बिल्डर के बारे में तो कुछ पता नहीं लगा है,
और अगर मैं सैंडी चोर्स की तरफ जाता भी हूँ तो मेरे को लगता है कि यार उसका घर ढूंढने मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सैंडी चोर्स भी यार देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पर फिर भी मैं ट्रेवर को कॉल कर दूंगा और मैं उसको बता दूंगा कि यार मैं सैंडी चोर्स की तरफ एक बिल्डर को ढूंढ रहा हूँ। ट्रेवर शायद अपनी गैंग से इसके बारे में ज़रूर पता लगा लेगा, क्योंकि जो सैंडी चोर्स का इलाका है वो सारा का सारा ट्रेवर के कब्जे में ही है। तो गाइस अभी मैंने ट्रेवर को यार कॉल करके बिल्डर के बारे में सारी बातें बता दी है। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है कि यार मेरे को उस बिल्डर को कैसे भी ढूंढना है, क्योंकि उसने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, मेरे से पैसे भी ले लिए हैं और मेरा काम भी अच्छे से नहीं किया है। तो अगर बिल्डर का कुछ पता लगता है तो मेरे को सीधे कॉल कर दे। तो ड्राइवर बोल रहा है कि यार उसको थोड़ा टाइम दे, वो जरूर पता लगा देगा, क्योंकि सैंडी चोर्स के तरफ उसको सारे लोग जानते हैं, वो जरूर उसके बारे में पता कर लेगा। बाकी मेरे पास मिलिट्री कर्नल का कॉल आया और मिलिट्री कर्नल ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया है। मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि यार कैसीनो के ओनर के बारे में उसको कुछ पता लगा है। तो माइकल एक काम करे, फटाफट से उससे मिलने आए, और मिलिट्री कर्नल अभी मिलिट्री बेस में नहीं है, वो लॉस सैंटोस सिटी में ही है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले हम लोग मिलिट्री कर्नल के पास चलते हैं और उससे चल के यार कैसीनो के ऑनर के बारे में पता करते हैं, क्योंकि अगर अपने को उसकी लोकेशन मिल जाती है तो मैं सारे काम छोड़कर पहले उस लोकेशन पे जाऊंगा और उसको पकड़ूंगा, क्योंकि उसके वजह से लॉस सैंटोस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से सीधे मिलिट्री कर्नल के पास चलते हैं और चल के उससे बातचीत करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग उस लोकेशन पे जा रहे हैं जहां पे मिलिट्री कर्नल ने मेरे को बुलाया है। और ये लोकेशन तो यार वही लग रही है जहां से रैली स्टार्ट हुई। और तुम लोग गाड़ी की एक बार हालत देखो, गाड़ी की हालत कितनी ज़्यादा बेकार मैंने कर दिया है। अभी मैं नई गाड़ी लेकर आया था और अभी मैंने पूरी की पूरी गाड़ी को तोड़ दिया। मैं गाड़ी ना इतनी ज़्यादा खतरनाक चलाता हूँ, खतरनाक नहीं ख़राब चला रहा हूँ आजकल, मतलब कहीं पर भी ले जाके ठोक दे रहा हूँ। गाड़ी की हालत एकदम कबाड़ जैसी हो चुकी है। तो मेरे को इस गाड़ी को रिपेयर कराना है, क्योंकि यार मैंने ना अभी अभी नई गाड़ी अपने कार शोरूम से निकाली थी और गाड़ी सही में बहुत ही कबाड़ा हो चुकी है। बाकी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भाई मिलिट्री वालों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एक सेकेंड पुलिस की गाड़ियाँ भी और एक टैंकर भी है। बाकी सारी की सारी गाड़ियाँ, जितने भी लोग थे सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, सारे के सारे रैली में गए हैं। वो लॉस सैंटोस सिटी की सबसे बड़ी रैली है और अभी शायद हम लोग को भी वहीं पे जाना है। और मिलिट्री कर्नल यहाँ पे क्या कर रहा है? मिलिट्री कर्नल को तो यार प्रेसिडेंट के साथ रहना था, मतलब ज़रूर लॉस सैंटोस सिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ और ख़तरनाक हुआ है, इसीलिए मिलिट्री कर्नल यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम लोग सामने की साइड देख सकते हो, मिलिट्री कर्नल अपनी फोर्स के साथ यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले इससे बात करते हैं और इससे पता करते हैं कि यार आखिरकार लॉस सैंटोस में हुआ क्या है और इसने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो गाइस अभी मेरी मिलिट्री कर्नल से यहाँ पे बातचीत होगी और मिलिट्री कर्नल ने मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ दी है। मिलिट्री कर्नल बता रहा है कि यार कल रात लॉस सैंटोस सिटी में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ हुई है। तो मिलिट्री कर्नल बता रहा है कि यार लॉस सैंटोस सिटी में मंथ में एक दिन लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा गोल्ड आता है। ये सारा का सारा पैसा लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट का है और लॉस सैंटोस में काम आता है। जैसे कि लॉस सैंटोस में कोई चीज़ बननी होती है तो वहाँ से पैसा जाता है, मतलब एक तरीके से लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट का पैसा है। और किसी ने वो सारे का सारा पैसा चोरी कर लिया है, वो भी एक ट्रेन के अंदर से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मिलिट्री कर्नल बता रहा है कि यार इसको तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार आखिरकार ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि ये पैसा बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से आता है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। बस गवर्नमेंट में कुछ बंदे हैं, मिलिट्री कर्नल को पता है और कुछ पुलिस वालों को पता है, पर यह पैसा चोरी कैसा हुआ और लॉस सैंटोस में पहली बार ऐसा हुआ है तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ना FIB वालों को आ रहा है, ना पुलिस को समझ में आ रहा है, ना मिलिट्री को समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये पैसा चोरी किसने किया है। तो उस पूरी ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके अंदर जो दो डिब्बे थे उनके अंदर पैसा और गोल्ड भरा हुआ था, वो सारा का सारा गायब है, बाकी सारा सामान वहीं पे है। तो मिलिट्री कर्नल अभी मेरे को उस लोकेशन पे लेकर जा रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग अपनी सुपर कार से नहीं चाहते। और एक सेकेंड, गाड़ी कहाँ गई? ओके, तो पीछे के साइड खड़ी है, मेरे को लगा किसी ने चोरी कर लिया है, पर ऐसा नहीं। और मिलिट्री अबे आके बैठ जाता भाई, मशीन गन की क्या दिक्कत है? कौन से कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है? पर जो मिलिट्री कर्नल है वो भाई हमेशा अपनी जॉब पे ही रहता है। तो मिलिट्री कर्नल बता रहा है कि यार हम लोग को कैसे भी करके पता लगाना होगा कि यार आखिरकार वो पैसा चोरी किसने किया है, क्योंकि वो लॉस सैंटोस की पब्लिक का पैसा है और लॉस सैंटोस के काम आना चाहिए। अगर ये बात लॉस सैंटोस की पब्लिक को पता लग गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम लोग को कैसे भी करके सारे पैसे और सारे गोल्ड को वापस लेकर आना है और जिसने भी ये काम किया है उसको छोड़ना नहीं है। और मिलिट्री कर्नल ये भी बता रहा है कि यार लॉस सैंटोस की किसी गैंग में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई गैंग ऐसा काम कर पाए, क्योंकि लॉस सैंटोस में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, सालों से पैसा आ रहा है
पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, पूरी ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, सारे पैसे को चोरी कर लिया। सही बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता था कि यार लॉस सांटोस की गवर्नमेंट में बाहर से पैसा आता है। अगर ये मेरे को पता होता तो हम लोग भी जरूर कभी ना कभी रॉबरी कर लेते, पर अभी तो नहीं करनी है क्योंकि गवर्नमेंट के अभी हम लोग सपोर्ट में, हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं और इसी से हम लोग को काफ़ी पैसा मिल रहा है। तो अभी मेरे को उस लोकेशन पे जाना है, अच्छे से चेक करना होगा और ये बात मेरे को लेस्टर को भी बतानी है। जरूर लेस्टर को इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा क्योंकि लेस्टर को लॉस सांटोस सिटी के बारे में सब कुछ पता रहता है और उसके बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं। तो ये बात हमें लेस्टर को बतानी होगी, लेस्टर इस बारे में ज़रूर पता लगाएगा। पर एक काम करते हैं, पहले फटाफट से उस लोकेशन पे चलते हैं और चल के चेक करते हैं, क्या पता हम लोग को वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मिल जाए। तो गाइस अभी हम लोग इस लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं जिस लोकेशन पे भाई ट्रेन को डिस्ट्रॉय करके सारा का सारा पैसा और गोल्ड चोरी हुआ है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार आखिरकार लॉस सांटोस में ऐसी कौन सी गैंग है जिसने इतना खतरनाक काम किया और गवर्नमेंट का ही पैसा चोरी कर लिया। भाई गवर्नमेंट का पैसा चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बाकी मिलिट्री कर्नल के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए मिलिट्री कर्नल चाहता है कि यार माइकल कैसे भी करके उन बंदों को ढूंढे और पैसा और गोल्ड को लेकर आए। बाकी तुम लोग ऊपर के साइड देख रहे हो गाइस, पूरी की पूरी ट्रेन भाई डिस्ट्रॉय हो चुकी है। भाई देख रहे हो सारे डिब्बे अलग हो गए हैं, आधे डिब्बे तो मुझे लगता है पानी के अंदर पड़े हुए हैं और आधे भाई ऊपर के साइड है। तो यहाँ पे तो भाई तो यार बहुत ज़्यादा मची हुई है और ये कोई एक दिन का प्लान नहीं बनाया होगा भाई, महीनों इन लोगों ने प्लानिंग की होगी तब जाके गवर्नमेंट का पैसा चोरी किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा चोरी करना इतना भी आसान नहीं है। तुम लोग ऊपर के साइड देख रहे हो, ऊपर के साइड पूरी की पूरी ट्रेन पड़ी हुई है एंड नीचे के साइड पानी में भी ट्रेन गिरी हुई है, मतलब ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पे भी ट्रेन का एक इंजन है और ऊपर के साइड भी ट्रेन का इंजन है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने ट्रेन को रोकने के लिए भाई दो ट्रेन की टक्कर आपस में लड़ाई है तब जाके ट्रेन डिस्ट्रॉय हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेन ऐसे रुकने वाली होगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी भाई, खतरनाक तरीके से मतलब बंदे होंगे तो ट्रेन तो ऐसे रुक नहीं सकती। इसीलिए उन लोगों ने प्लान बनाया, सामने से एक ट्रेन आई, दोनों ट्रेनों की टक्कर आपस में हुई है और ट्रेन डिस्ट्रॉय हो गई। उन लोगों ने सारे का सारा पैसा चोरी कर लिया। बाकी मैं काम करता हूँ, फटाफट नीचे चलते और मैं ऊपर से भाई वहाँ से गिर गया। वो तो अच्छा है कि मेरी हड्डियाँ नहीं टूटी भाई, पता नहीं कहाँ से पैर फिसला और मैं देख रहा हूँ सीधे नीचे आ चुका हूँ। मिलिट्री कर्नल तो अभी भी ऊपर ही होगा और मैं देखो भाई गिरते जा रहा हूँ, कहाँ से गिरते गिरते मैं नीचे आ गया हूँ। मिलिट्री कर्नल तो अभी भी ऊपर के साइड ही होगा, वो नीचे आने का रास्ता ढूंढ रहा होगा। एक काम कर मिलिट्री कर्नल, तो ऊपर ही रहे, मैं नीचे के साइड सारी चीज़ें चेक करके आता हूँ। ब्रिज के ऊपर भी हम लोग को जाके देखना होगा और वो तो अच्छा रहा, इस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ, अगर ये ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। गाइस तुम लोग देख रहे हो पानी के अंदर काफ़ी सारे डिब्बे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तुम लोग देखो सामने की साइड जो डिब्बा है वो खुला हुआ है, तो मुझे लगता है कि यार इसी के अंदर गोल्ड या पैसा होगा। इन लोगों ने चोरी कर लिया और बहुत खतरनाक तरीके से, ये लॉस सांटोस सिटी की सबसे बड़ी रॉबरी हुई है। तो हम लोग को इसको चेक करना पड़ेगा, काम करते हैं फटाफट से, हम लोग ऊपर के साइड चलते हैं। सही बताऊं तो आज तक हम लोगों ने भी ऐसा कोई प्लान नहीं किया और ना ही कोई ऐसी रॉबरी की है जैसी ये रॉबरी हुई है। तो मुझे लगता है हम लोग ट्रेन के डिब्बे के ऊपर जा नहीं सकते क्या? एक सेकंड, मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक सेकंड भाई, चढ़ जा भाई माइकल, अभी मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। एक काम करते ना, डिब्बे के अंदर चलते हैं, इस साइड से तो शायद हम लोग ऊपर के साइड जा सकते हैं। ओके बहुत सही, तो अभी मैं डिब्बे के ऊपर आ चुका हूँ। जो तुम लोग को ऑरेंज कलर का डिब्बा दिख रहा है, इसके अंदर से भाई पैसा या गोल्ड चोरी हुआ है, ये इसका गेट टूटा हुआ है। तो उन लोगों ने काम किया होगा, स्टिकी बॉम्ब से या फिर कोई भी ग्रेनेड वगैरह मारा होगा, इसका ढक्कन टूट गया होगा और इसके अंदर से इन लोगों ने सारा का सारा पैसा चोरी कर लिया। साथ ही साथ यहाँ से एक डिब्बा और गायब हो रखा है, उसके अंदर गोल्ड या फिर पैसा भरा हुआ था। तो रॉबरी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई है और तगड़ी वाली प्लानिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई सबूत नहीं है, कोई डेड बॉडी नहीं है, सारे के सारे पैसे गायब हैं, सारे बंदों की बॉडी गायब हो रखी है। तो हम लोग किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते और मुझे नहीं लगता है कि लॉस सांटोस की किसी गैंग ने ये काम किया होगा, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ज़रूरी है कोई ना कोई लॉस सांटोस के बाहर की गैंग होगी या फिर किसी ने खतरनाक वाला अपना दिमाग लगाया और सालों की मेहनत के बाद यहाँ पर रॉबरी करी है और रॉबरी में बहुत ज़्यादा पैसा चोरी किया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई है, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। तो एक काम करते, पहले ऊपर के साइड चलते हैं, ऊपर के साइड भी मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर के साइड भी ट्रेन है। मेरे को देखना पड़ेगा कि ऊपर के साइड ट्रेन के साथ, मेरे को ऊपर जाके भी देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं। क्या यहाँ से मैं ऊपर जा सकता? ओके, तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, फटाफट से ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के ट्रेन को चेक करते हैं। तो गाइस अभी मैं ऊपर के साइड आ चुका हूँ और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ट्रेन का क्या हाल हुआ है। मैं यहाँ पे बायनोकुलर निकाल के तुम लोग को दिखाता हूँ। ये तुम लोग यहाँ पे देखो, ये रहा ट्रेन का इंजन, एक पानी के अंदर पड़ा हुआ है।
ट्रेन का इंजन सामने से टकराया होगा, सारे के सारे डिब्बे बिखर चुके हैं, और वो तो अच्छा रहा ब्रिज नहीं टूटा, अगर ब्रिज टूट जाता तो बहुत नुकसान होने वाला था। और सामने से एक ट्रेन आई और एक यहाँ से ट्रेन आई है, सारे के सारे डिब्बों का तुम लोग हाल देख रहे हो, और जितने भी बंदे ट्रेन के अंदर होंगे मुझे लगता है कि यार उनमें से कोई नहीं बचा होगा, सारे के सारे बंदे खत्म हो गए हैं, सारे बंदों की डेड बॉडी भी गायब हो गई है। एक काम करते हैं फटाफट से ऊपर के साइड चलते हैं, मैं ब्रिज को एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे ब्रिज को तो यार कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी से ये बनाया है, पर यहाँ इसकी सारी रॉड टूट चुकी है, पर ये वाले डिब्बे नीचे नहीं गिरे। मुझे लगता है कि यार जो पैसा और गोल्ड था वो ट्रेन के अंदर सिर्फ दो डिब्बों के अंदर था, वो दोनों डिब्बे गायब हो गए, मतलब एक तो पानी के अंदर पड़ा है जिसके अंदर से पैसा या फिर गोल्ड गायब है, दूसरा डिब्बा ही गायब हो गया है, और वो डिब्बा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो किसी हेलीकॉप्टर में भाई लगा के लेकर गए होंगे, तो उसको तो हम लोग शायद आसानी से ढूंढ सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके बारे में मेरे को मिलिट्री कैनल से पता करना पड़ेगा। बाकी तुम लोग आगे के साइड देख रहे हो यार, पूरी ट्रेन की ना बैंड बजा दिया है, और ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, पूरी टीम का काम है, पर लॉस सांटोस की किसी गैंग ने तो यार ये नहीं किया होगा, ये कुछ अलग ही लेवल का हुआ है, ये लॉस सांटोस के बाहर के किसी बंदे का काम है, या फिर किसी बंदे ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया, फोर्स इकट्ठा किया है, उसके बाद ये काम किया है, वो भी बहुत ज़्यादा सफाई के साथ। यहाँ पे कोई सबूत नहीं है, मिलिट्री कर्नल बोल रहा है वो कल रात यहाँ पे आया था, FIB के बंदे आए, किसी को कुछ भी नहीं मिला है, एक डेड बॉडी तक नहीं बची हुई है, सारी डेड बॉडी गायब है, जिससे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। तो अभी एक ही बंदा है जो इस मामले में हमारी हेल्प कर सकता है, और वो है लेस्टर। तो अभी हम लोग लेस्टर के पास जाएंगे, लेस्टर को यार ज़रूर इस ट्रेन के बारे में पता होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। बाकी तुम लोग सामने के साइड देख रहे हो, मैंने मिलिट्री कर्नल को ऊपर रहने के लिए बोल दिया था, तो मिलिट्री कर्नल अभी भी ऊपर के साइड ही खड़ा है, क्योंकि मिलिट्री कर्नल ने ये सारी चीज़ें पहले ही देख ली थी, मैं यहाँ पे देखने आया था। तो एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग उसके पास चलते हैं, मैं उसको जाके बता देता हूँ कि मेरे को यहाँ पे तो यार कुछ भी नहीं मिला है, और मेरे को पैराशूट से जाना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ। तो मैं काम करता हूँ, पानी में जब मारता हूँ और मैं सीधे डिब्बे से टकरा गया, और एक सेकेंड पानी का प्रेशर ना गाइस इतना ज़्यादा तेज है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, पानी मेरे को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है, अभी मैं स्विमिंग भी नहीं कर सकूँ, मैं यहाँ पे स्विमिंग भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को वाटरफॉल से नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है तो मेरे को इससे नीचे जाना पड़ेगा, इसी से मैं नीचे जा सकता हूँ, यहाँ पे स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और डायरेक्ट गाइस मैं नीचे गिरने वाला हूँ भाई, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर से, वो तो मैं पानी के अंदर हूँ तो मेरे को चोट वगैरह नहीं लगी है, बाकी तुम लोग देख रहे हो पानी के अंदर कितना ज़्यादा कूड़ा आ रहा है, वो सारा का सारा ट्रेन के वजह से हुआ है। तो एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग मिलिट्री कैनल के पास चलते हैं, और यहाँ से सीधे लेस्टर के पास चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर के साइड आ चुके हैं, फटाफट से हम लोग यहाँ से निकालते हैं, और एक सेकेंड रुको, मिलिट्री का कैनल अभी भी वहीं पे खड़ा है और मेरा इंतज़ार ही कर रहा है। तो एक काम करता हूँ फटाफट से मिलिट्री कैनल को बुलाता हूँ, एंड जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी मैंने मिलिट्री कैनल से बात कर ली, और मैंने उसको बता दिया है कि यार यहाँ पे मेरे को कोई भी सबूत नहीं मिला, ना ही कोई डेड बॉडी है, और इसको देखकर पता ही नहीं लग पा रहा है कि यार आखिरकार ट्रेन के अंदर रॉबरी किसने किया है, क्योंकि जो रॉबरी है ना वो बहुत ज़्यादा प्लान करके किया है। तो हम लोग को लेस्टर के पास आना चाहिए, इस बारे में लेस्टर को ज़रूर पता होगा, वैसे लेस्टर को अभी तक पता लग गया होगा कि जो लॉस सांटोस की गवर्नमेंट का पैसा है वो चोरी हो चुका है, क्योंकि लॉस सांटोस की हर एक खबर उसके पास पहुँचती रहती है। और तुम लोग यहाँ पे मिलिट्री कर्नल अभी भी ऊपर ही बैठ रहा है, जबकि नीचे जगह है, अबे आराम से बैठ जाता है यार, यहाँ पे कौन सा कोई हम लोगों पे अटैक कर रहा है। तो एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग यहाँ से चलते हैं और सीधे लेस्टर से चल के बात करते हैं, लेस्टर मुझे अपने घर में मिल जाएगा, उसके बाद मैं मिलिट्री कर्नल को मिलिट्री बेस में छोड़ दूंगा, या फिर प्रेसिडेंट की जहाँ पे रैली हो रही है वहाँ पे चल के हम लोग मिलिट्री कर्नल को छोड़ देंगे। तो गाइस अभी हम लोग लेस्टर के घर पे पहुँचने वाले हैं, फटाफट से चल के लेस्टर से बातचीत करते हैं। बाकी मिलिट्री कर्नल के पास यार प्रेसिडेंट के मैनेजर का बार बार कॉल आ रहा है, मुझे लगता है कि यार सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अभी हम लोग को वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो यार, जो ये वाली गाड़ी है ना सही में काफ़ी खतरनाक है, मतलब यार गाड़ियों के ऊपर चढ़ जा रही है, और इस वाली गाड़ी से मैं किसी को टक्कर मार रहा हूँ ना तो हमारी गाड़ी डैमेज नहीं हो रही, सामने वाले बंदे की गाड़ी डैमेज हो रही है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लेस्टर के घर पे, फटाफट से चल के उससे बातचीत करते हैं, उसको मैं सारी बातें बता देता हूँ, वैसे उसको सारी चीज़ें पहले से ही पता होगी क्योंकि उसके लॉस सांटोस सिटी में काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट हैं। तो एक काम करते हैं फटाफट से इसके घर का गेट ओपन कराते हैं और जल्दी से अंदर चलते हैं। तो भी हम लोगों ने लेस्टर के घर का गेट ओपन करा लिया और मैं अंदर आ चुका हूँ, और एक सेकेंड रुको, यहाँ पे लेस्टर के हैकर्स क्या कर रहे हो, और गाइस तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो
यहाँ पे लेस्टर आराम कर रहा है भाई, सो रहा है या फिर जग रहा है? मुझे लगता है कि यार लेस्टर काफी देर से अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था और अब ये थक के यहाँ पे आराम वगैरह कर रहा है, पर इसको उठाना पड़ेगा क्योंकि इसको बहुत सारी चीजें बतानी है और हम लोग को कैसे भी करके गवर्नमेंट के पैसे के बारे में पता करना है, क्योंकि मिलिट्री कर्नल अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है। मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि अगर पैसा नहीं मिला तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा और हो सकता है इसको रिजाइन भी करना पड़े या फिर इसको नौकरी से निकाल दे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि अगर कोई नया मिलिट्री कर्नल आ गया तो हमारी भाई हेल्प नहीं करेगा, हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मिलिट्री कर्नल को हम लोग बचा के रहेंगे और इसकी नौकरी को भी बचाना है और गवर्नमेंट के पैसे को ढूंढना है। तो गई सभी हमारी लेस्टर से यहाँ पे बातचीत हो गई और मैंने लेस्टर को बोला कि यार लॉस सांटोस सिटी में एक बहुत बड़ी रॉबरी हुई है। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार इसको पहले से पता है, इसको कल रात ही पता लग गया था कि लॉस सांटोस सिटी में ट्रेन रॉबरी हुई है और ये लॉस सांटोस की सबसे बड़ी रॉबरी है। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार गवर्नमेंट के पैसे पे नजर डालना या फिर इसको चोरी करना किसी छोटी मोटी गैंग के बस की बात नहीं है। लेस्टर बता रहा है कि यार उस ट्रेन के बारे में इसको भी बहुत टाइम से पता था पर इसने भी कभी कोई प्लान नहीं बनाया भाई उस ट्रेन में करने का और पैसे चोरी करने का, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, पूरे लॉस सांटोस की फोर्स हमारे पीछे पड़ जाती। पर ये लॉस सांटोस सिटी में कौन सी गैंग आ गई है, फिर किसने प्लान बना के गवर्नमेंट के पैसे को चोरी कर लिया? तो लेस्टर बोल रहा है कि यार ये एक या दो बंदों का काम नहीं है, कम से कम 50 से 60 बंदों की एक टीम होगी और उन लोगों ने मिलकर ये काम किया है, तो उनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन लोगों ने काफी सफाई से काम किया है और ये चीज बहुत जल्द न्यूज में भी आ जाएगी, और अगर एक बार न्यूज में आ गई तो लॉस उसकी गवर्नमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए और भाई मिलिट्री कर्नल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, और हो सकता है गवर्नमेंट कंगाल भी हो जाए क्योंकि सारा का सारा पैसा, सारा गोल्ड चोरी हो चुका है। तो जो भी करना है हम लोग को जल्दी करना होगा। तो लेस्टर बोल रहा है कि उसके हैकर्स यही काम में पहले से लगे हुए हैं क्योंकि उसको पता था मिलिट्री कर्नल यहां पे जरूर आएगा, ये और किसी के बस का काम नहीं है, ये सिर्फ अपना लेस्टर या उसकी टीम कर सकता है। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार वो उसी काम में भाई कल रात से लगा हुआ है पर अभी तक कोई भी न्यूज नहीं मिली है, अगर कोई भी इसको न्यूज मिलती है फिर किसी के ऊपर भी शक होता है तो हम लोग को कॉल करके बता देगा। तो फटाफट से हम लोग यहां से चलते हैं और मिलिट्री कर्नल ना सही में बहुत ज्यादा टेंशन में है, इसीलिए आराम से बैठ भी नहीं रहा है, बार बार देख रहा हूं मशीन गन पे बैठ जा रहा है भाई, इसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि यार किसी के ऊपर गोली वगैरह ना चला दे, एक काम कर दो ना मिलिट्री कर्नल को पहले मैं आराम से प्रेसिडेंट के पास छोड़कर आता हूं और लेस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को गवर्नमेंट के पैसे को ढूंढना होगा। और लेस्टर बता रहा है कि यार वो कोई थोड़ा बहुत पैसा नहीं है, ट्रेन भर के पैसा था। मिलिट्री कर्नल बोल रहा था कि सिर्फ 2 डिब्बों में पैसा था पर ऐसा नहीं है, लेस्टर ने बताया कि पूरी की पूरी ट्रेन पैसे और गोल्ड से भरी थी। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना पैसा होगा भाई, बहुत पैसा चोरी हुआ है सही में भाई, लेस्टर ने मेरे को पहले ऐसा नहीं बताया, नहीं तो सही में मैं इस ट्रेन को चोरी कर लेता चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाता। बाकी एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधे उस लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट की रैली हो रही है, वहीं पर हम लोग को प्रेसिडेंट ने बुलाया है। तो गाइस अभी हम लोग सैंडी शोर्स पहुंचने वाले हैं और अभी हम लोग को पता लगा है जो प्रेसिडेंट की रैली हो रही थी वो रैली खत्म हो चुकी है, सारे के सारे वीआईपी, सारे पॉलिटिशियन अभी जा चुके हैं और प्रेसिडेंट ने हम लोग को इसीलिए बुलाया है ताकि हम लोग प्रेसिडेंट को सही सलामत उसके मेंशन तक पहुंचा दें। और जो ये वाली रैली थी ना वो बहुत ज़्यादा लंबी चली है, तो मेरे को यहीं कहीं से एक सेकेंड रुको, प्रेसिडेंट के बंदे दिखाई दे जाएंगे, एक सेकंड में थोड़ा सा पीछे आ गया, मेरे को सैंडी शोर्स के पुलिस स्टेशन में जाना था। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एंड साथ में मेरे को यहाँ पे प्रेसिडेंट भी नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यार प्रेसिडेंट ने यहाँ से सारी की सारी सिक्योरिटी को भेज दिया है, क्योंकि सैंडी शोर्स में अगर सारी सिक्योरिटी रहेगी तो लॉस सांटोस सिटी पे अटैक वगैरह हो सकता है, इसीलिए प्रेसिडेंट ने यहाँ पे सिर्फ पुलिस की सिक्योरिटी रखी है, मिलिट्री वगैरह को सबको यहाँ पे भेज दिया। और गाड़ियाँ भी अभी देख रहे हो कितनी ज़्यादा कम है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियां आई थी। तो रैली तो एकदम ठीक तरीके से हो गई, कोई भी पंगे नहीं हुए, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया हुई है। एंड सामने के साइड मेरे को प्रेसिडेंट भी नजर आ रहा है, तो एक काम करते हैं फटाफट से प्रेसिडेंट को लेते हैं और सीधे उसके मेंशन पे चलते हैं। तो गाइस अभी मेरी प्रेसिडेंट से यहाँ पे बात हो गई और प्रेसिडेंट बता रहा है कि वो काफ़ी देर से यहाँ पे माइकल का इंतजार कर रहा था और इसने यहाँ से सारी की सारी सिक्योरिटी भेज दी, सारे बंदों को भेज दिया क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा था, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, बाकी जितने भी वीआईपी आए थे, जितने भी पॉलिटिशियन आए थे वो सही सलामत लॉस सांटोस सिटी से जा चुके हैं और ये सारी चीज़ें माइकल की वजह से हुई हैं। तो प्रेसिडेंट अभी माइकल के काम से बहुत ज़्यादा खुश है
क्योंकि माइकल ने नए मिलिट्री कर्नल को खत्म करके भाई बहुत ही सही काम किया। इसके बदले भाई प्रेसिडेंट माइकल को बहुत सारे पैसे देना चाहता है, क्योंकि अभी माइकल यार प्रेसिडेंट का पर्सनल बॉडीगार्ड है और इसको काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। बाकी अभी मेरे को प्रेसिडेंट को लेकर सीधे उसके मेंशन पे जाना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ना रैली के चक्कर में यार काफी ज्यादा थक गया है। तो ये आराम ये अभी अपने घर पे जाके आराम वगैरह करेगा। बाकी मिलिट्री का कर्नल अपनी गाड़ी को लेकर सीधे मिलिट्री बेस चले जाएगा। बाकी प्रेसिडेंट बोल रहा था कि यार जो गवर्नमेंट का पैसा और गोल्ड चोरी हुआ है उसके बारे में कुछ पता लगा या नहीं लगा, तो मैंने इसको बता दिया कि यार अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, पर हम लोग पता लगा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट बोल रहा है कि यार उस पैसे और गोल्ड को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर गोल्ड और पैसा हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं रहेगा और लॉस सांटोस सिटी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, लॉस सांटोस की पब्लिक भी परेशान होगी और गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा घाटे में आ जाएगी। तो कैसे भी करके हम लोग को पैसा ढूंढना ही पड़ेगा। बाकी फटाफट से चलते हैं प्रेसिडेंट के मेंशन पे। तो गाइस अभी हम लोग प्रेसिडेंट के मेंशन पे बहुत सीने वाले हैं, फटाफट से चल के यार प्रेसिडेंट को हम लोग इसके मेंशन पे छोड़ते हैं। उसके बाद यार अभी ना मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने मेरे को एक नया काम दे दिया है गवर्नमेंट के पैसे को ढूंढने का। प्रेसिडेंट बोल रहा है कि यार बहुत ज्यादा जरूरी है, तो माइकल सारे काम छोड़ के बस कैसे भी यार उन लोगों को पता लगा है जिन लोगों ने ट्रेन के अंदर रॉबरी करी। और तुम लोग यहाँ पे देखो यार, इस वाले गेट में ना जब भी मैं कोई बड़ी गाड़ी लेकर आता हूँ या फिर लिमोजिन टाइप की गाड़ी आती है तो यहाँ पे मोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग फाइनली इसके मेंशन पे पहुंच चुके हैं, फटाफट से हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और जल्दी से हम लोग यहाँ से चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यार अपनी सारी की सारी टीम को भी एक जगह बुलाया जाए, सबके साथ मिलकर कोई ना कोई प्लान तो जरूर बनाना होगा। प्रेसिडेंट अभी अपने मेंशन में रहकर आराम वगैरह करेगा और गोल्ड माफिया का भी यार काफी दिन से कुछ पता नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ गोल्ड माफिया, फ्रैंकलिन, ट्रेवर, लेस्टर सबको एक जगह बुलाए और आराम से बैठ के बात करें और सारे बंदे अलग अलग जाके लॉस सांटोस सिटी में पता करें, कुछ ना कुछ तो हम लोग को ट्रेन रॉबरी के बारे में जरूर पता लगेगा। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट से लेस्टर को कॉल करता हूँ और सारी टीम को एक जगह बुलाता हूँ और मिलकर कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। तो गाइस अभी मेरी लेस्टर से फोन पे बात हो गई है और लेस्टर को मैंने बोला है कि यार पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा करे और सारे मिलकर कोई ना कोई प्लान तो यार जरूर बनाएंगे हम लोग को, कैसे भी करके उस ट्रेन रॉबरी वाले सारे बंदों को ढूंढना है और पता करना है कि यार आखिरकार वो ट्रेन रॉबरी किसने की है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैंने पूरी टीम को बीच के साइड बुलाया है, वहीं पर कार्निवल पर हम लोग को पूरी टीम मिलेगी, वहीं पर हम लोग बात करने वाले हैं ताकि किसी को भी पता ना लगे कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। बाकी प्रेसिडेंट ने मेरे को बोला है यार हम लोग को जिसकी भी हेल्प पड़ेगी हम लोग उसकी हेल्प ले सकते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब अगर हम लोग चाहे तो पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, मिलिट्री, एफआईबी, मतलब आईए, किसी की भी हेल्प लेंगे, लॉस सांटोस सिटी में हम लोग को कोई भी रोकने वाला नहीं है। प्रेसिडेंट ने हम लोग को सारी परमिशन दे दी है, मतलब अभी मैं लॉस सांटोस सिटी में जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने मेरे को बोल दिया है कि उसको कैसे भी करके पैसा चाहिए और वो बंदे चाहिए जिन लोगों ने ट्रेन की रॉबरी की है, तो अभी हम लोग को पता लगाना पड़ेगा। बाकी प्रेसिडेंट ने मेरे को बोला है कि अगर हम लोग जल्द से जल्द सारा पैसा और गोल्ड को वापस लेकर आ जाते हैं और अगर हम लोग पता लगा लेते हैं कि यार ये रॉबरी किसने की है तो हम लोग को काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तो ये ऑफर तो यार काफी ज्यादा बढ़िया है, हम लोग को पैसा भी मिलने वाला है, साथ में हम लोग को प्रेसिडेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हम लोग बीच के साइड मिलते हैं और चल के भाई कोई ना कोई प्लान बनाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बीच के साइड पहुंचने वाले हैं और रास्ते से मेरे को एक बाइक मिल गई थी, तो यार मैंने उस खटारा गाड़ी को छोड़ दिया, इस बाइक को चोरी कर लिया जो कि काफी ज्यादा बढ़िया भाग रही है। बाकी अभी मैं बीच के साइड आ चुका हूँ और गोल्ड माफिया का मेरे पास कॉल आ गया है, तो गोल्ड माफिया बता रहा था कि यार वो बीच पे आ चुका है, वैसे गोल्ड माफिया लॉस सांटोस के बाहर गया हुआ था पर अभी लॉस सांटोस सिटी में आ गया और ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो गोल्ड माफिया को कुछ पता ही नहीं लगता। बाकी बाइक को मैंने यहाँ पे खड़ा करने की कोशिश की थी पर बाइक नीचे गिर गई है, तो फटाफट से चल के पहले गोल्ड माफिया से बात करते हैं या फिर एक काम करते हैं सारे लोगों का इंतजार करते हैं, क्योंकि लेस्टर ने सबको कॉल कर दिया है, कुछ ही देर में एक एक करके यहाँ पे सारे लोग आ जाएंगे। तुम लोग सामने के साइड देख सकते हो गोल्ड माफिया मेरा यहाँ पे इंतजार कर रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले सबका इंतजार कर लेते हैं और सबके आने के बाद यहाँ पे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे काफी देर से अपनी टीम का इंतजार कर रहे हैं पर अभी मेरे को पता लगा है कि यार जो हमारी टीम है वो पार्किंग में हमारा इंतजार कर रही है, तो अभी हम लोग सीधे पार्किंग में जा रहे हैं और वहीं पे चल के उनसे बातचीत करेंगे। गोल्ड माफिया को मैंने बोल दिया है कि यार फटाफट से अपनी कॉफी खत्म करके भाई पार्किंग की साइड आ जाए, वहां पे सारे लोग आ चुके हैं, मतलब लेस्टर, ट्रेवर, फ्रैंकलिन सारे लोग आ गए हैं। बाकी मैं काम करता हूँ ना, बाइक को भी हम लोग अपने साथ ही लेकर चलते हैं, मुझे नहीं पता ये बाइक किसकी है पर है बहुत ज्यादा बढ़िया और काफी ज्यादा सही भी चल रही है।
तो गाइस अभी हम लोग पार्किंग के साइड आ चुके हैं, फटाफट से चल के यार अपनी टीम से बातचीत करते हैं और यहीं कहीं पे अपनी टीम होनी चाहिए होगी। तो गाइस सामने के साइड हमारी पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई है, बाकी गोल्ड माफ है अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं फटाफट से इन लोगों से बातचीत करते हैं और मैं इनको प्रेसिडेंट के भाई प्लान के बारे में बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट हमारे साथ एक डील करना चाहता है कि अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट का सारा पैसा सारा गोल्ड ढूंढ लिया, साथ ही साथ उन बंदों का पता लगा लिया जिन लोगों ने भाई रॉबरी की है, तो प्रेसिडेंट हम लोग को काफ़ी बड़ा प्राइज देगा। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो एक काम करता हूँ फटाफट से मैं इन लोगों से बात करता हूँ और सारी चीज़ें बताता हूँ। तो गाइस अभी मेरी पूरी टीम से यहाँ पे बातचीत हो गई है, मैंने पूरी टीम को सारी चीज़ समझा दिया है और पूरी टीम यहाँ पे काम पे लग चुकी है। तुम लोग ट्रेवर को देख सकते हो, लेसर को देख सकते हो, गोल्ड माफिया को देख सकते हो, तीनों बंदों यहाँ पे काम पे लग चुके हैं। ट्रेवर अपने बंदों को सैंडी शोर्स कॉल कर रहा है और गोल्ड माफिया अपने बंदों को लगा रहा है। हम लोग लॉस सांटोस की हर एक गैंग के पास जाएंगे, उनसे पता करने वाले हैं क्योंकि लॉस सांटोस सिटी में यार देखो इतनी बड़ी रॉबरी हुई है, पूरी की पूरी ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसके बारे में किसी ना किसी को ज़रूर पता होगा। बाकी लेसर बोल रहा है कि यार देखो जो ट्रेन की रॉबरी हुई है वो कोई छोटी मोटी किसी बैंक के अंदर रॉबरी नहीं है, गवर्नमेंट का पूरा ट्रेन भर के पैसा और गोल्ड गायब है। तो इसके बारे में भाई किसी ना किसी ने तगड़ा वाला प्लान बनाया होगा, मतलब लॉस सांटोस सिटी में रह के वो प्लान बना रहा होगा। तो हम लोग को पता लगाना पड़ेगा, हर एक जगह जाएंगे और एक एक जगह जाके ढूंढने वाले हैं। बाकी यार देखो ट्रेन को गायब किया है तो किसी छोटी मोटी चीज से नहीं किया होगा, क्योंकि ट्रेन को भाई किसी ट्रक के अंदर रखकर नहीं ले जा सकते। ट्रेन को ले जाने के लिए बड़े बड़े या तो हेलीकॉप्टर चाहिए या फिर बड़ी बड़ी शिप चाहिए। पर जिस जगह भाई एक्सीडेंट हुआ है, जिस जगह ट्रेन डिस्ट्रॉय हुई है, वहां पे बड़ी सबमरीन तो जा ही नहीं सकती। मतलब ट्रेन को वहां से गायब करने में, पैसे को गायब करने में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स लगे होंगे और कम से कम 4 से 5 हेलीकॉप्टर की जरूरत हुई होगी। तो लेसर अभी उन हेलीकॉप्टर्स के बारे में पता लगा रहा है, यार इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आए होंगे तो किसी ना किसी ने जरूर देखा होगा। तो अभी अपनी पूरी टीम काम पे लगी हुई है। बाकी लेसर बोल रहा है कि यार माइकल सीधे लॉस सांटोस के पुलिस स्टेशन जाए, वहां पर जाके पता करे कि यार एक दो दिन में अगर भाई कुछ भी गड़बड़ हुआ है, प्लेन चोरी हुआ है या फिर ट्रेन के बारे में चोरी हुई है, तो भाई वहां से हम लोग को पता लग जाएगा। तो फटाफट से हम लोग यहां से चलते हैं। लेसर के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान है। मैंने वैसे लेसर को बता दिया है कि यार प्रेसिडेंट हम लोग को इस काम के बहुत ज्यादा पैसे देगा, साथ में वो सपोर्ट भी हम लोग को बहुत ज्यादा कर रहा है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, बस हम लोग को गवर्नमेंट का पैसा वापस लेकर आना है। मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो हम लोग को पता लगाना पड़ेगा भाई, हम लोग कुछ भी करके पता लगाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूं लॉस सांटोस के पुलिस स्टेशन, वहां से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, शायद मेरे को किसी ना किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि लॉस सांटोस में कुछ भाई गड़बड़ी हुई है, कोई गैंग की लड़ाई हुई है या फिर प्लेन वगैरह चोरी हुए हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो मेरे को पता लगेगा और मैं सीधे वहां पे जाके भाई उनसे पूछताछ करूंगा, शायद हम लोग को रॉबरी के बारे में कुछ पता लग पाए। तो गाइस अभी हम लोग लॉस सांटोस के पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं, फटाफट से चल के लॉस सांटोस की पुलिस से बातचीत करते हैं। यहाँ पे मैं इन लोगों से पूछताछ करने आया हूँ, शायद यहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं इन लोगों से पता करूंगा कि यार लॉस सांटोस सिटी में भाई एक दो दिन के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई रॉबरी हुई है, कुछ भी अगर हुआ है तो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं सीधे उन लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। तो फटाफट से हम लोग अंदर के साइड चलते हैं और लॉस सांटोस की पुलिस अभी हम लोग को सारी चीज़ें बताएगी, क्योंकि अभी हम लोग प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ने हम लोग को परमिशन दे रखी है। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो रिसेप्शन में आज एक साथ दो दो बंदे खड़े हैं, तीन बंदे खड़े हुए हैं, ये चीज काफी बड़ी है। और एक सेकंड, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक इसके पीछे बैठा है, भाई चल क्या रहा है, बहुत ज्यादा क्रिमिनल आ रखे हैं क्या यहाँ पे, मेरे को इन लोगों से बात करनी चाहिए और इन लोगों से भाई इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। तो गाइस अभी मेरी ऑफिसर से यहाँ पे बातचीत हो गई और मैं ऑफिसर से यार काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ और अभी तक मेरे को यहाँ से कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो मैंने ऑफिसर से बोला कि लॉस सांटोस सिटी में अगर एक दो दिन में कोई बड़ा क्राइम हो तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे रॉबरी हो गया, गैंग अटैक हो गया या फिर कोई डील वगैरह हो गई। तो ऑफिसर बता रहा है कि यार एक दो दिन के अंदर लॉस सांटोस में कोई क्राइम ही नहीं हुआ है, मतलब छोटी मोटी चोरियाँ हुई थी, उन सबको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया है, मतलब हम लोग को यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो अभी मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। बाकी मैंने ऑफिसर को बोल दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मेरे को कॉल कर दे और मैंने इसको अपना नंबर भी दे दिया है। बाकी तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक क्रिमिनल आया था एक्सीडेंट करके, जिसका काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था, तो पहले उसने अपनी यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई, उसके बाद सीधे उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यार यहाँ पे तो हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर हम लोग को कुछ ना कुछ तो यार पता करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी हम लोग यहां से निकलते हैं और लॉस सांटोस सिटी में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं।
तो गाइस अभी हम लोग लॉस सांटोस के पुलिस स्टेशन से होकर आ रहे थे और अभी मेरे पास ट्रेवर का कॉल आया और ट्रेवर बता रहा है कि यार सैंडी शोर्स के पास जो लाइट हाउस है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। वहाँ का जो घर है उसने कंप्लेन करी है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग शिप से आए हैं, तो एक बार माइकल को वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए। और मैंने ट्रेवर को भी बोल दिया है कि यार वो भी वहीं पे आ जाए, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से मैं वहाँ पे जाके चेक करता हूँ। वैसे यार देखो वहाँ पे ना लाइट हाउस है, काफ़ी सारी शिप आती रहती हैं, काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, पर किसी ने कंप्लेन किया इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, हम लोग को जल्दी से जाके एक बार चेक करना चाहिए। तो गाइस अभी हम लोग लाइट हाउस के पास पहुंचने वाले हैं, बाकी मेरे को यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। पहले मेरे को अच्छे से यहाँ पे पूछताछ करनी होगी, मेरे को देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पे गड़बड़ी क्या चल रही है और कौन से लोग आए हैं। और एक सेकेंड, सामने के साइड गाइस मेरे को काफी सारे बंदे नजर आ रहे हैं, तो मैं सामने नहीं जा सकता। एक सेकेंड, मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पे सही में भाई कोई गैंग आ रखी है, मेरे को चेक करना पड़ेगा आखिरकार बंदे कौन से। एक सेकेंड यार, ये बंदे लॉस सांटोस सिटी के तो नहीं लग रहे, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो जरूरी है। और हम लोगों ने लॉस सांटोस के पुलिस स्टेशन में पता किया था, इसीलिए हम लोग को कुछ पता नहीं लगा। अगर हम लोग सैंडी शोर्स के पुलिस स्टेशन जाते तो शायद हम लोग को कंप्लेन के बारे में पता लगता। वो तो अच्छा है कि यार ट्रेवर के यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, तो ट्रेवर ने यार अपने बंदों से पता किया होगा और हम लोग को यहाँ के बारे में पता लगा है, तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि यार आखिरकार ये बंदे कौन से हैं और यहाँ पे करने क्या आए हैं। और गाइस सामने तुम लोग लाइट हाउस देख रहे हो, वहाँ पे मेरे को बहुत सारे बंदे नजर आ रहे हैं, मैंने बाइनोकुलर निकाले हैं। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये तो बहुत सारे बंदे खड़े और सबके हाथ में यहाँ पे वेपन्स हैं। ये लोग आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं यार, ये पक्का कोई ना कोई डील कर रहे हैं या फिर किसी को खत्म करने आए हैं, क्योंकि अगर ये नॉर्मल बंदे होते, किसी डील के लिए आते या फिर कोई काम के लिए आते तो इनके पास वेपन नहीं होते, इनके पास अपने पर्सनल वेपन्स है और सारे के सारे लोगों के हाथ में वेपन है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो मेरे को इनसे पूछताछ करनी चाहिए, पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन लोगों से पूछताछ करने जाऊँ और ये लोग मेरे पे अटैक वगैरह कर दे। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, कई चारों तरफ भरे पड़े यार ये बंदे, इन लोगों ने शायद इस वाले घर पे कब्जा भी कर लिया है। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से, मैं पीछे की साइड जाता हूँ और अभी ना मैं इन बंदों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरे को सबको खत्म करना होगा, मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि यार ये लोग आखिरकार बंदे कौन से हैं। तुम लोग यहाँ पे देखो गाइस, बहुत सारे बंदे और इसको मेरे को मारना पड़ेगा। और तुम लोग यहाँ देखो, ये बंदे भाई यहाँ पे खतरनाक कुछ करने आए हैं। जैसे ही मैंने गन निकाली, इन लोगों ने मेरे पे गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया और एक सेकंड, मैंने दो बंदों को यहाँ पे खत्म कर दिया है। मेरे को ऊपर के साइड जाना चाहिए, मैं ऊपर से जाके कवर लेकर मारने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने बिना कवर के मारा तो काफी गड़बड़ी हो सकती है। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये रहा वो घर का बंदा जो कि घर के अंदर रहता है और अभी इसने भागना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे गोलियां चल रही है और अभी मैं इनको छोड़ नहीं सकता, मेरे को नहीं पता ये बंदे कौन है। तेरी तो ऐसी की तैसी भाई, कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं जैसे यहाँ पे किसी को खत्म करने आए। मेरे को कवर में रहना पड़ेगा, मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से गोलियां चल रही है और मैंने आर्मर भी यार लोकल वाला पहन रखा है, ये आर्मर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अभी मेरे को भागना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ पीछे की साइड कवर में जाता हूँ एंड जैसे वो लोग पीछे आएंगे मैं सबको खत्म करने वाला हूँ, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता लगा रहे हैं कि आखिरकार ये लोग हैं कौन और यहाँ पे करने क्या आए थे। आज और तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, एक एक को एक एक हार्ड शॉट में मैं खत्म करने वाला हूँ। वैसे भी हम लोग को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा करनी थी, अभी मेरे को नहीं पता ये बंदे कौन है पर बहुत जल्दी मैं पता कर लूंगा। तो अभी मैं इन सबको पहले फटाफट से खत्म करता हूँ और यहाँ के जो घर के लोग हैं, और मैं इन लोगों से पता करता हूँ कि यार आखिरकार ये लोग आए कब थे और इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा क्यों कर रखा है, शायद इन लोगों को कुछ ना कुछ पता हो। और एक सेकंड, मेरे को गोलियां कहाँ से पड़ रही हैं, यार गोलियां तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। और एक सेकंड, ये पीछे के साइड कब आया, इसको तो मैंने देखा ही नहीं भाई, पीछे से आके मेरे पे अटैक कर रहा है। यार ये बंदे तो बहुत ज्यादा हैं, तेरी तो ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। और इसके बारे में हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वो तो अच्छा है कि हम लोगों ने अपनी टीम से बात की और टीम ने भाई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, मतलब लॉस सांटोस सिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुआ है, यहाँ पे बंदे आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं और भी बंदे जरूर आए होंगे। इस साइड में हम लोग को यार पुलिस वगैरह लगानी चाहिए क्योंकि अक्सर यहाँ से टेररिस्ट आते रहते हैं, लॉस सांटोस पे काफ़ी ज़्यादा इलीगल वेपन आते रहते हैं, तो इस साइड काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी है। और मुझे लगता है कि मैंने अभी यहाँ के सारे बंदों को ख़त्म कर दिया, मेरे को आराम से जाके एक बार चेक करना चाहिए। सीढ़ियों के पास पहले बहुत सारे बंदे थे और आगे लाइट हाउस के पास तो बंदे भरे पड़े हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं, मेरे को सबसे निपटना पड़ेगा, मेरे को सबको ख़त्म करना है। ये लोग कर क्या आ रहे हैं, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और सीढ़ियों पे जितने भी बंदे थे मुझे लगता है मैंने सारे के सारे बंदों को टपका दिया,
अब यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, तो एक एक करके मैं इनको भी यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने किसी को भी छोड़ा तो ये हो सकता है लॉस सांटोस सिटी में भाई किसी ना किसी को नुकसान पहुँचाए, या फिर हम लोग को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और ये लोग इतना ज़्यादा दूर है कि ये लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि पानी में जब तक ये लोग स्विमिंग करके आएंगे मैं सबको ही टपका दूंगा। और अभी मैं स्नाइपर से एक एक करके इन लोगों को हेडशॉट मार, निकल यहाँ से, रख रख के मैं इनको हेडशॉट देने वाला हूँ। इनमें से भाई कोई भी इधर, जब तक इससे कोई नहीं बचेगा मैं सबको ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग जितनी देर में यहाँ पे आएंगे। और गाइस मैंने ये क्या किया, मैं बहुत ही सही लोकेशन पे था और गलती से मैं पानी के अंदर गिर गया, और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा गोलियाँ लग रही हैं। तुम लोग देख रहे हो भाई मेरे को कितनी ज़्यादा गोलियाँ लग रही हैं, मेरे को फटाफट से ऊपर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो ये लोग बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलाएंगे। मेरे को फटाफट से ऊपर जाना है और मैं वहीं से स्नाइपर से इनको मारने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता लग गया है कि ये लोग इधर के साइड तो बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि अगर इन लोगों ने पानी में जंप किया उतनी देर में तो मैं इन सबको शूट कर दूंगा। तो एक सेकंड, मेरे को फटाफट से स्नाइपर निकालनी है और इन सबको ठोकना है जितने भी यहाँ पे बंदे हैं। निकल यहाँ से, एक एक को रख रख के हेडशॉट देने वाला हूँ। दो चार बंदे रह गए, मैंने सबको उड़ा दिया। एक दो बंदे यहाँ पर निकल दे रही तो ऐसी तैसी। तो गाइस मुझे लगता है मैंने सारे के सारे बंदों को ख़त्म कर दिया, अब यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। अभी मेरे को पता करना है कि आखिरकार ये बंदे कौन थे और यहाँ पे करने क्या आए थे। तो गाइस काफ़ी देर इधर उधर भाई पता लगाने के बाद मेरे को इनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि यार आखिरकार ये बंदे कौन हैं और ये लोग यहाँ पे करने क्या आए थे और ये लोग यहाँ पे कब से हैं। तो मैंने सीधे मिलिट्री कर्नल को कॉल किया, मैंने उसकी फोर्स को यहाँ पे बुलाया, कुछ ही देर में उसके बंदे यहाँ पे आ जाएंगे और भाई छानबीन करेंगे। बाकी मिलिट्री कर्नल कह रहा है कि यार माइकल अपना फ़ोन निकाले और अपने फ़ोन के कैमरे से इनका फोटो क्लिक करके सीधे मैं उसको सेंड कर दूँ, वो शायद इनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेगा। तो पहले हम लोग को आगे के साइड जाना चाहिए। एक सेकंड यार, यहाँ से तो इसका फेस ही नहीं आ रहा है, मेरे को आगे की साइड जाके इसका फेस का फोटो भी लेना है। वैसे इसने अपने पूरे फेस को कवर कर रखा है यार, इसका फेस तो आएगा ही नहीं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके कपड़े तो आ जा रहे हैं। तो अभी मैंने इसका फोटो क्लिक कर लिया और अभी मैं ये फोटो सीधे यहाँ से मिलिट्री के कैनल को भेजने वाला हूँ। मिलिट्री कैनल अपने आप इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा और हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और मैंने अपनी बाइक को कहाँ पे खड़ा किया, तो यार इन बंदों से हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। बाकी जो बंदे इसके घर के अंदर रहते हैं वो सारे के सारे बंदे यहाँ से जा चुके हैं और एक बंदे की मेरे को डेड बॉडी मिली थी, शायद लोगों ने उसको मार दिया होगा। बाकी के बंदे यहां से भाग गए जब मैं यहां पे गोलियां चला रहा था। तो अभी हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। और एक सेकंड, मेरी बाइक कहां पे गई यार, बाइक चोरी हो गई क्या? मैंने गाइस खड़ी तो यही कहीं पे की थी। एक सेकंड यार, मेरी बाइक बार बार नीचे गिर जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधे जाके पानी में चली गई हो? नहीं यार, पानी में तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने उसको ऊपर के साइड खड़ा किया था, होनी तो यही कहीं चाहिए। ओके, तो ये खड़ी है भाई मेरी बाइक, मेरे को दिखाई भी नहीं दे रही है। तो अभी हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाकी का सारा काम मिलिट्री वाले संभाल लेंगे। तो गाइस अभी मैं लेस्टर के घर के पास में आया हूँ और मैं यहाँ की सारी गैंग से भाई पूछताछ करने वाला हूँ उस रॉबरी के बारे में। तो इस साइड में यार चाइनीज गैंग और भी काफ़ी सारी गैंग रहती हैं, तो इस वाले इलाके में मैं पूछताछ कर रहा हूँ, बाकी के एरिया में बाकी हमारी टीम पूछताछ कर रही है। तो यहाँ पे गैंग के काफ़ी सारे बंदे हैं, पर इन लोगों से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लफड़ा ले रखा है, काफ़ी बार लड़ाई वगैरह की है। तो मुझे नहीं लगता है कि यार ये मेरे से आराम से बातचीत करने वाले हैं, पर मैं इन लोगों से ट्राई करूँगा, पहले आराम से पूछताछ करूँगा, और ये अगर आराम से बातचीत करते तो मैं पूछ के सिर्फ जाने वाला हूँ। पर अगर इन लोगों ने मेरे से यहाँ पे लड़ाई करने की कोशिश की तो मैं इन्हें ख़त्म करने वाला हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारा गुस्सा इन्हीं पे निकलेगा। तो यहाँ पे दो बंदे खड़े हुए हैं, मैं काम करता हूँ, आराम से बात करता हूँ। हेलो भाई, मैं यहाँ पे बात करने आया, मेरे को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। और इसने यहाँ पे गन निकाल लिया यार तेरी, तो एक सेकेंड गाइस इसने मेरे पे गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। यार ये लोग ना कभी नहीं सुधरने वाले हैं भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ बात करने आया था, अभी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और मैं यहाँ पे शॉट गन निकालने वाला हूँ। एक एक चाइनीज गैंग का बंदा मेरे हाथ से मरने वाला है। मेरे को लगा कि शायद मैं इन लोगों से आराम से पूछताछ कर लूंगा। पहले मैं यहाँ पे ट्रेवर को भेज रहा था, पर मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे ट्रेवर को भेजता हूँ तो ट्रेवर बात बात में करेगा, मारना पहले स्टार्ट कर देगा। पर मेरे को नहीं पता था कि यार ये लोग मेरे साथ भी सेम वही काम करने वाले हैं और अभी मेरे को इन्हें मारना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि अगर मैंने इनको नहीं मारा तो ये लोग मेरे को खत्म कर देंगे, मेरे पे गोलियां वगैरह चला रहे हैं। ओके तो बॉस है, इधर के मैंने सारे बंदों को खत्म कर दिया है। अभी मेरे को अंदर के साइड चलना है, मैं अंदर चल के भी उनसे बातचीत करूंगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बात करने आया, मेरे को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैं आराम से उनसे पूछताछ करूंगा। बस मेरे को रॉबरी के बारे में पता करना है, इन लोगों के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। और हम लोगों ने सैंडी शोर्स बाइकर गैंग के एरिया में गोल्ड माफिया को भेज रखा है, क्योंकि गोल्ड माफिया की उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारे साथ तो कई बार पंगा हुआ है। तो आगे की साइड में मेरे को कुछ बंदे नजर आ रहे हैं। और एक सेकेंड भाई, एम्बुलेंस वाला सही में एकदम पागल ही हो गया है, उन लोगों को बचाने के चक्कर में मेरे को उड़ा के निकल गया। और ये चीज तेरी तो, एक सेकंड, इन दोनों को तो मैं तेरी निकल यहाँ से, तेरे भी छाती में गोली पड़ी भाई। कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैवी वाले ड्राइवर बन रहे हो भाई, मैं सामने से जा रहा हूँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा तुम। एक सेकेंड, अबे यहाँ पे ये और लोग कहाँ से आ गए भाई, इन लोगों ने अपनी गैंग के और बंदे बुला लिए भाई, ये लोग मेरे को बात ही नहीं करने देंगे भाई, मेरे को निकलना पड़ेगा यार, मेरे को इस एरिया में आना ही नहीं था, मैं गलत ही इस एरिया में आ गया यार। इस एरिया मेरे को ट्रेवर को ही भेजना चाहिए, ये लोग ट्रेवर से ही बात करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेवर को देखते ही इन लोग की हालत खराब हो जाती है। ट्रेवर का तुम लोग को पता ही है भाई, खतरनाक बंदा है। मैं यहाँ पे आया, मुझे लगा मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा, ये लोग मेरे को शायद कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ट्रेवर को मैं कहीं और भेज देता हूँ। पर यहाँ पे आके मैंने गलती कर दी है, क्योंकि ये लोग मेरे से बात नहीं करने वाले हैं, सीधे अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। और तेरी निकल यहाँ से भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ बेटा, अभी तुमसे पहले मैं बात मुझे करनी ही नहीं है, बात मुझे करनी ही नहीं है, अभी तुम लोग को ही खत्म करना है, सारे के सारे चाइनीज गैंग के बंदे खत्म कर दूंगा। आ जाओ, एक और बंदा है यहाँ पे, यहाँ निकल कहाँ से भाई, निकल के आ रहा है, एक और बंदा आ रहा है ना बेटा, तू भी आ जा, निकल यहाँ से। इसको भी मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, मैंने यहाँ पे लाशों के ढेर लगा दिए हैं, निकल यहाँ से, इसको भी मैंने खत्म कर दिया। एंड आगे की साइड मेरे को कुछ बंदे नजर आ रहे थे, शायद वो बंदे मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए, फटाफट से उनके पास चलते हैं। इन लोगों से लड़के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा बंदों को मैं यहाँ पे मारूंगा, धीरे धीरे यहाँ पे और भी बंदे आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वाले एरिया में काफी सारी गैंग रहती है, और मैं सबको खत्म नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं सबसे लड़ सकता हूँ। सामने के साइड मेरे को कुछ बंदे नजर आ रहे हैं, ये गैंग के बंदे हैं क्या? एक सेकंड, ये तो मेरे को वर्कर्स वगैरह लग रहे हैं यार, वर्कर्स से मेरे को कुछ पता नहीं लगेगा, मेरे को गैंग के बंदों से ही पता लगेगा यार। यहाँ तो गैंग के बंदे मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, नहीं तो इस साइड वाले एरिया में गाइस बहुत सारे गैंग के बंदे खड़े रहते हैं। सारे के सारे गैंग के बंदे आखिरकार गए तो गए कहाँ पे? ओके तो मेरे को सामने के साइड कुछ और बंदे नजर आ रहे हैं, ये गैंग के बंदे हैं क्या गाइस? ये भी तो वर्कर्स ही हैं यार, इन लोगों से तो मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं, या तो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, इन लोगों से तो बात करना एकदम बेकार ही है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इन लोगों से पता करता हूँ, शायद इन लोगों को गैंग के बंदों के बारे में पता हो, ये मेरे को उनकी इन्फॉर्मेशन दे पाए। ओके तो मैं इन लोगों से बात कर रहा था, और ये लोग भी यहाँ पे लड़ रहे हैं भाई, मेरे को लड़ना ही नहीं, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग भी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही भाई। यहाँ तुम लोग एक सेकेंड भाई, तुम्हारी तो जो देखो भाई, सीधे मेरे पे अटैक ही कर रहा है, जो आ रहा है सीधे अटैक कर रहा है भाई, तुम्हारी तो ऐसे निकलो यहाँ से भाई। जो बंदा आ रहा है मेरे पे सीधे अटैक कर रहा है सीधे, एक सेकंड एक और भाग, तेरी तो निकल यहाँ से। जो बंदा आ रहा है मेरे पे सीधे अटैक करना स्टार्ट कर दे रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ बात करने आया था, और यहाँ पे गैंग से लड़ाई हो रखी है। यहाँ पे कुछ और बंदे नजर आ रहे हैं, मेरे को इनसे बात करनी चाहिए, वैसे मेरे को लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनके आसपास भी गया तो ये लोग गोलियां चलाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये माइकल को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। पर मैं इन लोगों को इनसे ट्राई करता हूँ। तो गाइस अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा था, और अचानक से फिर से इन लोगों ने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, ये लोग सिर्फ मेरे पे गोलियां ही चला रहे हैं। यहाँ पे मैं ट्रेवर को ही भेजूंगा, मेरे को लगता है कि यार ये लोग मेरे को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले हैं, फटाफट से मेरे को यहाँ से निकलना ही चाहिए। मैं भी लेशर को कॉल करके बता दूंगा कि यार चाइनीज गैंग के एरिया में से मेरे को कुछ पता नहीं लगा है, बाकी गैंग से हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग गैंग से फाइट करके सीधे लेस्टर के पास जा रहे थे, और अभी मेरे पास एफआईबी के ऑफिसर का कॉल आ गया, और एफआईबी ऑफिसर बोल रहे हैं कि यार माइकल को उसके साथ काम करना है, तो फटाफट से माइकल एफआईबी बिल्डिंग आ जाए, माइकल को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मेरे को लगा कि यार प्रेसिडेंट ने ये काम सिर्फ हम लोग को दिया है, पर ऐसा नहीं है भाई, प्रेसिडेंट ने ये काम एफआईबी वालों को भी दिया है। और यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, तेरी तो ऐसे निकल बाहर भाई, बाइक वाला इतना बड़ा बंदा इसको नजर नहीं आ रहा है। पहले मैं गन को अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इससे गन से नहीं लड़ने वाला हूँ। तेरी भागना मत बेटा, भाग कहाँ रहा है भाई, देख रहे हो मेरे को इतनी बुरी वाली टक्कर मारी भाई, मैं अगर ब्रेस से नीचे गिर जाता ना तो उस टाइम में मेरी बैंड बजने वाली थी, पर अभी मैं जैसे तैसे भाई बच गया।
पर अभी हम लोग फटाफट से FIB बिल्डिंग में चलते हैं, वो रही सामने FIB बिल्डिंग। तो अगर मैं नीचे से जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग ऊपर के साइड चलते हैं और चल के उन लोगों से बात करते हैं। FIB ऑफिसर बोल रहा था कि वो माइकल को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। अभी मुझे नहीं पता कि यार उसको इन्फॉर्मेशन क्या मिली है, पर हो सकता है कि यार वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ जाए। तो अभी हम लोग FIB बिल्डिंग के पास आ चुके हैं, फटाफट से चल के उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये रही भाई FIB बिल्डिंग। एक काम कर दो ना, अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि यार ये बाइक मुझे नहीं पता किसकी है, पर बाइक चल बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। पर इसका स्टैंड सही करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टैंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो फटाफट से बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और चल के उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग FIB ऑफिस के अंदर जा रहे थे, पर अभी हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड से पता लगा है कि यार जिस ऑफिसर ने हम लोग को मिलने के लिए बुलाया है वो हमारा बाहर इंतज़ार कर रहा है और माइकल को उसने साइड में बुला रखा है। तो अभी हम लोग को बिल्डिंग के साइड में जाना पड़ेगा, यहीं कहीं पे वो है। ओके, तो सामने के साइड तुम लोग देख सकते हो वो रहा भाई ऑफिसर। फटाफट से इससे बात करते हैं कि ऑफिस के नीचे क्यों आ गया। मेरे को तो लगा ऑफिस के अंदर बुलाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेट इसको बात करनी है। तो एक काम करते हैं फटाफट से इससे बात करते हैं और पता करते हैं कि यार आखिरकार रिश्ते मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो गाइस अभी हमारी FIB ऑफिसर से बातचीत हो गई और ये मेरे को बता रहे हैं कि यार इसके पास प्रेसिडेंट का कॉल आया था और प्रेसिडेंट ने इसको कॉल करके बोला है कि यार माइकल के साथ मिलकर काम करे और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट का सारा पैसा ढूंढे और उन चोरों का भी पता लगाए। तो ये ऑफिसर बता रहा है कि यार इसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। ये बता रहा है कि यार लॉस सांटोस के किसी गैंग ने तो ये काम किया ही नहीं है, क्योंकि लॉस सांटोस सिटी में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ, और ना ये कैसीनो के ओनर ने किया है, ना ये एल रूबियो ने किया है। ये काम इनके बस का ही है, ये काम किसी और बंदे ने किया है। और इसको उन लोगों के ऊपर भी शक है जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों को उस ट्रेन के बारे में, उस पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो FIB ऑफिसर चाहता है कि हम लोग उन सारे लोगों की लिस्ट तैयार करें जिन लोगों को उस ट्रेन के बारे में, पैसे के बारे में पता था, क्योंकि उन्हीं लोगों को पता था कि ट्रेन किस टाइम आने वाली है और उस ट्रेन में कितना पैसा था। तो यार ये चीज तो काफी ज्यादा बढ़िया पता लगी है। तो मैं काम करता हूं फटाफट से लेस्टर को कॉल करता हूं एंड लेस्टर को ये बात बताता हूं कि यार पता लगा है कि उस ट्रेन में कितने बंदे थे और किस किस के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि ट्रेन में कितना पैसा है और वो कब आने वाली है। तो गाइस अभी मेरी लेस्टर से फोन पे बात होगी और लेस्टर को मैंने बता दिया है कि यार FIB ऑफिसर चाहता है कि हम लोग एक लिस्ट तैयार करें उन लोगों का, पता लगाएं कि किन किन लोगों को उस ट्रेन के बारे में पता था, किन लोगों को पैसों के बारे में पता था, क्योंकि ट्रेन का एक टाइम था, मंथ में सिर्फ एक दिन ट्रेन आती थी, तो पक्का उनमें से किसी बंदों ने भाई चोरी करने का प्लान बनाया होगा। बाकी लेस्टर ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया, लेस्टर बता रहा है कि यार जो बंदा ट्रेन को चला रहा था, मतलब ट्रेन ड्राइवर का पता लग गया और वो ट्रेन ड्राइवर प्रेसिडेंट के मेंशन पे है। तो माइकल फटाफट से वहां पे जाए, शायद ट्रेन ड्राइवर से हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और FIB ऑफिसर अभी मेरे साथ जाने वाला है और लेस्टर भी वहीं पे मिलेगा। तो अभी मैं अपनी बाइक से जाने वाला हूं और FIB ऑफिसर अभी मेरे साथ काम कर रहा है, मतलब एक तरीके से अभी हमारा वो पार्टनर है जब तक हम लोग चोरों को पकड़ ना ले। तो फटाफट से बाइक पे बैठ जाओ और पकड़ के बैठना। एक सेकेंड, ये बाइक पे क्यों नहीं बैठ रहा? अभी ये भाग के कहां जा रहा है भाई? मैं बाइक से जाने वाला हूँ, हम लोग के पास गाड़ी नहीं है। एक सेकंड, मुझे नहीं लगता है कि यार इस वाली बाइक पे बैठ पाएगा। बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी है, पर अभी हम लोग को बाइक को छोड़ के गाड़ी चोरी करनी होगी। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी गाड़ी पार्किंग में लगी होगी, उसको लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं। हम लोग को फटाफट से प्रेसिडेंट के मेंशन में पहुंचना है और उस ट्रेन ड्राइवर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उससे पूछताछ करने के बाद शायद हम लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर पता लगेगा कि यार ट्रेन किसने लूटी है। उसने शायद बंदों का फेस देखा होगा और अगर उसने बंदों का हुलिया बता दिया तो शायद हम लोग उन बंदों को पकड़ पाएं। तो फटाफट से प्रेसिडेंट के मेंशन पे चलते हैं और चल के ट्रेन ड्राइवर से बातचीत करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग प्रेसिडेंट के मेंशन पे पहुंचने वाले हैं और जल्दी से चल के यार उस ट्रेन ड्राइवर से हम लोग पूछताछ करते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, क्योंकि मेरे को उस ट्रेन ड्राइवर से पता करना है कि आखिरकार ट्रेन पे अटैक कैसे हुआ था। मेरे को जल्दी से अंदर जाना होगा। बाकी जो FIB ऑफिसर है उसने भी अपने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, उसको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। बाकी FIB ऑफिसर ने गाड़ी के अंदर मेरे को एक बात बोली है। FIB ऑफिसर बोल रहा है कि यार कुछ पूछताछ हम लोग सीक्रेट करेंगे, जिसके बारे में हम लोग को नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको गवर्नमेंट के बंदों के ऊपर शक है। इसको लग रहा है कि यार जो सब इसको लग रहा है कि यार ये रॉबरी के पीछे गवर्नमेंट के ही कुछ बंदे हैं। और तुम लोग यहां पे देख सकते हो, यहां पे एक एम्बुलेंस आ चुकी है, एक पुलिस की गाड़ी है एंड यहां पे डॉक्टर्स भी खड़े। और एक सेकंड, ये FIB ऑफिसर यहां पे कर क्या रहा है भाई? तेरे को नहीं चलना क्या? एक सेकंड, मेरे को नहीं लग रहा कि यार ये मेरे साथ जाने वाला है। ये यहां पे पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे को ऊपर के साइड जाना है। मैंने प्रेसिडेंट के मैनेजर को कॉल किया था और मेरी उससे बात हो गई थी, उसने मेरे को बता दिया है कि यार ट्रेन ड्राइवर यही
पे आ गया है और उसको पुलिस वाले लेकर आए थे। तो इसीलिए मैंने मिलिट्री कर्नल को लेस्टर को यहीं पे बुला लिया है, क्योंकि लेस्टर भाई सारे के सारे बंदों की लिस्ट तैयार कर रहा है और हम लोग जो भी प्लान करेंगे, जो भी हम लोग पूछताछ करेंगे, मैं प्रेसिडेंट को और किसी भी बंदे को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम लोग ये सारी बातें नहीं बता सकते कि हम लोग गवर्नमेंट के बंदों पर ही शक कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो रेड कलर के ड्रेस में बंदा है, ये भाई ट्रेन ड्राइवर, और इसके तो भाई थोड़ी बहुत चोटें वगैरह भी लगी हुई हैं। एंड यहाँ पे दो सैंडी शोर्स के पुलिस वाले भी आ रखे हैं, मुझे लगता है यही पुलिस वाले इसको लेकर आए थे। और एक सेकंड, एफआईबी ऑफिसर मेरे साथ आया तो था, गया कहाँ पे भाई, ये कर क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। था तो गई अभी यहीं कहीं पे, पता नहीं ये चल क्या रहा है, पता नहीं कर क्या रहा है वो, शायद उसके जो भी क्वेश्चंस है वो उनको तैयार कर रहे हैं ताकि वो ट्रेन ड्राइवर से पता कर पाए। बाकी मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रेसिडेंट से बात करता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ने यार इससे ज़रूर पूछताछ की होगी कि आखिरकार वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो गाइस अभी मैंने प्रेसिडेंट से यहाँ पे बात की, मैंने ट्रेन ड्राइवर से भी बात की, तो ट्रेन ड्राइवर बता रहा है कि यार एक्सीडेंट इतनी जल्दी में हुआ कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये बता रहा है कि यार वहाँ पे टनल के अंदर पहले से एक ट्रेन खड़ी हुई थी जो कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, तो ये ट्रेन लेकर जा रहा था और जैसे इसने सामने ट्रेन देखा टनल के अंदर इसको पहले नज़र ही नहीं आई और इसीलिए वहाँ पे खतरनाक वाली टक्कर लड़ी, और टक्कर लड़ने की वजह से हमारे कुछ ट्रेन के डिब्बे पानी के अंदर चले गए, बाकी कहाँ गए इसको नहीं पता क्योंकि ये बेहोश हो गया था। और जब इसकी आंख खुली तो ये हॉस्पिटल के अंदर था, पूरी ट्रेन में से सिर्फ एक ही बंदा बचा है। बाकी ये बता रहा है ट्रेन के अंदर करीब 10 से 15 बंदे थे, कुछ गवर्नमेंट के बंदे थे वो भी लापता हैं, कुछ इसी के साथ काम करने वाले थे, एक और ट्रेन ड्राइवर है, सारे के सारे बंदे लापता है, सिर्फ इसी का पता लगा है और वो भी हॉस्पिटल के अंदर। इसको नहीं पता कि यार वो बंदे कौन थे, किसने अटैक किया, पैसा किसने चोरी किया, कैसे वो पैसे को लेकर गए, क्योंकि जैसी ट्रेन की टक्कर लगी थी ये सीधे बेहोश हो गया था। इसको नहीं पता कि इसकी जान कैसे बची, इसको बचाया किसने है, बस ये यहां पे आ गया और ये पुलिस वाले इसको यहां पे लेकर आए। तो वैसे मुझे लग रहा है कि यार ये बंदा ना झूठ बोल रहा है, इतनी खतरनाक टक्कर में इतनी छोटी मोटी चोटें तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उन ट्रेनों का हाल बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, ट्रेनें बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुई है, तो इसीलिए बंदा झूठ बोल रहा है। अगर किसी कार की भी नॉर्मल टक्कर होती है तो भी काफी ज्यादा चोटें लगती है, और तुम लोग इसको देख रहे हो सिर्फ इसके हाथ पैर में छोटी मोटी चोटें हैं, स्क्रैचेस लगे हैं और कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि सारी की सारी ट्रेन डिस्ट्रॉय हो गई है भाई, ब्रिज भी डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी इसके साथ के जितने भी बंदे थे सब खत्म हो गए, ये अकेला कैसे बचा भाई, मुझे इसी के ऊपर शक हो रहा है, मैं इसे अकेले में पूछताछ जरूर करूंगा। बाकी प्रेसिडेंट बोल रहा है कि ट्रेन ड्राइवर को दोबारा हॉस्पिटल जाना है, ये आराम करेगा, अब ये ठीक नहीं है, और जब ये एक तरीके से जब ये अच्छे से ठीक हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से पूछताछ करने वाले हैं। बाकी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतनी खतरनाक टक्कर में सिर्फ दो चार चोटें कैसे लग सकती हैं, क्योंकि अगर ये पानी के अंदर जंप मार देता तब मेरे को समझ में आता कि हाँ ये बच सकता है, पर ये बोल रहा है कि ट्रेन के अंदर ही था और भाई बेहोश हो गया, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है ये बंदा झूठ बोल रहा है, पक्का ही हम लोगों से कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है। बाकी अभी मेरे को यहाँ पे लेस्टर का और भाई मिलिट्री कर्नल का इंतजार करना है, लेस्टर को मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, लेस्टर इसके बारे में ज़रूर पता लगाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार उन बंदों के साथ ये ट्रेन ड्राइवर भी मिला हुआ हो और ट्रेन ड्राइवर ने जानबूझ के टक्कर मारी हो ताकि सारे के सारे डिब्बे पानी में गिर जाए और वो लोग आराम से चोरी कर ले, इसका पता हम लोग को लगा के रहना है। बाकी एफआईबी ऑफिसर आया तो मेरे साथ था, गया कहाँ पे मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार प्रेसिडेंट के घर में भाई छानबीन कर रहा हो, सबसे पहला शक उसको प्रेसिडेंट पे हो, भाई कुछ भी हो सकता है, जो एफआईबी के ऑफिसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बाकी यार अभी मेरे को यहाँ पे लेस्टर और मिलिट्री कर्नल का इंतजार करना है। बाकी यार इस वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, आई होप आप लोग को पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके आज जरूर बताने कि आप लोग को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। बाकी यार इस वाले एपिसोड को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हो गई है, तो प्लीज एक लाइक करना तो बनता ही है। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।